आगे खबर है देहरादून से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की कई बैठकें होनी है। जेपी नड्डा के दून दौरे को लेकर संगठनात्मक बैठक करेंगे कौशिक। 26 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। पीएम मोदी के हल्द्वानी दौरे की तैयारियों को भी देंगे धार। दोपहर 12 बजे का वक्त है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तैयारियों पर बात करने वाले मदन कौशिक। बीजेपी अध्यक्ष है उत्तराखंड के, 12 बजे का वक्त है, प्रेस वार्ता वो करेंगे, क्या कुछ कहते हैं तैयारियों को लेकर वो भी उनको सुनना भी अहम हो जाएगा। पीएम मोदी के हल्द्वानी दौरे की तैयारियों को भी वो धार देंगे। और साथ ही साथ 26 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनके दौरे को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं इस पर भी लगातार उनकी नजर होगी और इस पर भी जानकारी लेते हैं। विनोद लगातार बने हुए हैं देहरादून से। विनोद, आज प्रेस वार्ता भी होनी है, बैठकें भी लेने वाले, एक के बाद एक तमाम मंथन भी वहां पर लगातार चल ही रहा है। मदन कौशिक क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से बैठकें आगे बढ़ेंगी, बैठकों में क्या कुछ होगा वो जरा बताएं। दीपा, देखिए आज 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक एक प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता करने से ठीक पहले वो संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करने वाले हैं। आगामी 26 दिसंबर का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो या फिर कुमाऊं क्षेत्र में 30 दिसंबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे। और जिस तरह से अभी मैंने बताया कि एक भीड़ जुटाने का लेकर लक्ष्य भी पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ पर दिया गया है, और उससे ठीक अगर बात करें तो जिस तरह से अभी कुछ ही समय अब विधानसभा इलेक्शन में बचा है, उससे ठीक पहले जितने भी 70 विधानसभा के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनकी भी आज बैठक यहाँ राजधानी देहरादून के पार्टी प्रदेश कार्यालय में होनी है और संगठन को किस तरह से मजबूत करने हैं और आगामी जो एजेंडे चुनावी रणनीति हैं उसको धार देने की कोशिश आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे। संगठन के और अलग अलग मोर्चों की बैठक, कई बैठकें हैं, वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 26 दिसंबर के नड्डा के दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर की कुमाऊं यानी हल्द्वानी की रैली को लेकर तमाम विस्तृत वो जानकारी देंगे और चुनावी एजेंडे क्या है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है। और ये भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों में यानी 70 विधानसभा में पार्टी संगठन की ओर से 70 चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए थे और ऐसे में उनसे फीडबैक भी लेंगे आखिरकार किस तरीके से पार्टी कौन सी गति में चल रही है, क्या क्या चुनाव तैयारी है उसको लेकर अलग अलग आज संगठन की बैठक है, अलग अलग मोर्चों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे और 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को विस्तृत जानकारी देंगे। दीपा,